नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को धोखा दिया। आखिरी समय में भी नरेंद्र मोदी जी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का साथ नहीं दे पाए, बिकॉज वो भारत देश के लाल किले पर, जो किराए का लाल किला जो है नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया, उस किराए के लाल किले पर भी वो झंडा ना फहरा सके। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहांत को, उनके निधन को छिपा करके रखा गया एक दिन तक। यह नरेंद्र मोदी की असलियत है। आरक्षण को समाप्त करने की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ही की गई थी, क्या आपको मालूम है? फैक्ट है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। अच्छा, प्रमोशन में आरक्षण की बात कर लेते हैं। चलो, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की जो बड़ी शुरुआत की गई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही सरकार में की गई थी। प्रमोशन में आरक्षण, बड़ा सवाल है साथियों। पोक भी करते रहिएगा क्योंकि मनुवादी भी जुड़ रहे हैं, पॉक भी करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में आरक्षण समाप्त करने की शुरुआत की गई। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की भी शुरुआत जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में की गई थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने आरएसएस का तमाशा देखते हुए, वे लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है कविताएं सुनाते रहे, देश को भावुकता में बहता हुआ देखते रहे और देश को भावुकता में बहकाते हुए चलते रहे। उनकी कविताओं का आज भी पूरे देश में वर्णन किया जा रहा है। ये वही कविताएं थी जो भावुकता में हमारा देश बह रहा था। ये वही कविताएं थी जो प्रमोशन में आरक्षण जब समाप्त किया जा रहा था, जब कविताओं में हमारा देश बह रहा था। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ, सबको मालूम है साथियों। शेयर, इनवाइट, लाइक एंड कमेंट। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ। अटल जी ने सभी सरकारी एजेंसियों को, विशेषकर रॉ रॉ जो सरकारी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है भारत की, रॉ को खामोश कर दिया था, चुप कर दिया था, क्योंकि रॉ ने सूचना दे दी थी कि कारगिल युद्ध होगा, जबकि कारगिल युद्ध की पूर्व जानकारी जो है रॉ ने भारत सरकार को दे दी थी, डायरेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी थी। उसके बावजूद भी अटल जी ने कारगिल युद्ध होने दिया, क्यों आखिर? इसका बड़ा सवाल बनता है, आखिर क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध होने दिया, जिसमें भारतीय सेना के अनेकों फौजी जो हैं वो शहीद हो गए, माताओं के लाल चले गए, बहनों के भाई चले गए, किसी मासूम के पिता चले गए और किसी कोई महिला विधवा हो गई। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं। नवाब सतपाल तंवर जो कहेगा सच कहेगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहेगा। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सच है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध सिर्फ इसलिए नहीं टाला क्योंकि उन्हें अमेरिका से छिपकर एक परमाणु परीक्षण करना था, जो कि राजस्थान में किया गया था। बॉर्डर पर भारत की सेना को तैयार कर दिया गया और उस समय जो है अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी पूरी नजरें भारत देश के ऊपर बनी हुई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि भारत पाकिस्तान में फिर से युद्ध होगा। अमेरिका के सभी सैटेलाइट जो हैं वो बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। उसका परिणाम राजस्थान में परमाणु परीक्षण पूरा कर लिया गया था। फैक्ट की बात कर रहा हूं, इतिहास की बात कर रहा हूं, जो सच है उस सच्चाई की बात कर रहा हूं, आपको शेयर करना पड़ेगा।
आज आप श्रद्धांजलि दीजिए, कोई बात नहीं। एक दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की मौत हो चुकी है, एक दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच से जा चुके हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ क्या था वो मैं आपके सामने कर रहा हूं शेयर, लेकिन लगातार शेयर कीजिएगा मेरे साथ। भारत देश की आत्मा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगुवाई करने वाले भारत के संविधान की समीक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही सरकार में संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना की गई, संविधान समीक्षा आयोग का ही गठन किया गया था। आखिर क्यों, संविधान की समीक्षा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को? यही तो कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज संविधान जलाया जा रहा है, संविधान बदलने की मांग की जा रही है, संविधान बदलने के लिए ये लोग आए हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं, और संविधान भारत की राजधानी में नरेंद्र मोदी की नाक के ठीक नीचे जलाया जा रहा है। और 15 अगस्त के दिन संबित पात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वह बयान देता है कि 2019 में यदि इनकी सरकार दोबारा आती है तो ये नया संविधान लेकर के आएंगे। बड़ी सोचने वाली बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, संविधान बदलने की मांग उसी समय शुरू हो चुकी थी। मेरे साथियों, इस षड्यंत्र को समझिए, और आप इस षड्यंत्र को समझते हुए आवाज उठाइए, हमें संविधान की रक्षा करनी है, हमें संविधान को बचाना है, पूरे बहुजन समाज को एक होना होगा, पूरे देश को एक होना होगा। अटल जी की ही सरकार में दंगों की शुरुआत हुई थी, अटल जी की ही सरकार में भारत देश में सबसे पहले दंगों की शुरुआत हुई थी, धार्मिक दंगों की। क्या ये देश भुला सकता है? मैं बड़ा सवाल उठाता हूं इस भारत देश की सरकार के ऊपर जो आज, और बड़ा सवाल उठाता हूं उन लोगों के ऊपर जो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस तो इसका चला गया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आज मरण दिवस है, बड़ा सवाल उठा रहा हूं मैं आज। मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, मानते हैं, लेकिन आरएसएस के गुलाम भी तो थे, आरएसएस के गुलाम भी तो थे, तभी तो ये सारे कांड हो गए। दीजिए, कोई बात नहीं, श्रद्धांजलि दीजिए, हमने भी श्रद्धांजलि दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने दे दी है श्रद्धांजलि, आप भी दे दीजिए श्रद्धांजलि। लेकिन मेरे साथियों, आज इस भारत देश को कौन बचा सकता है? आज इस भारत देश में जो गमगीन विषय जो बना हुआ है, भारत का संविधान, भारत के संविधान को कुचला जा रहा है, भारत के संविधान को बदलने की मांग की जा रही है, भारत का संविधान जलाया जा रहा है, इस संविधान को कौन बचाएगा? आप बचाएंगे, आप। अच्छा, कंधार की बात करते हैं, चलिए छोड़िए, सारी बातों को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कंधार की बात करते हैं। कंधार कहां पर है? कंधार जो है वो पाकिस्तान में है, हमारा दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान में कंधार है। किसको पता है क्या पाकिस्तान में कंधार है? कितने साथी बताएंगे? कोई नहीं बता पाएगा। जी हां, अफगानिस्तान कंधार, अफगानिस्तान कंधार, पाकिस्तान में लाहौर, हवाई जहाज रुकते हैं वहां पर। भारत देश से हवाई जहाज उड़ता है, लाहौर पहुंचता है, और उसके बाद अफगानिस्तान के कंधार में पहुंच जाता है। क्यों, क्यों आखिर? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस वक्त, आज भी वो आतंकवादी भारत देश को चकनाचूर कर रहे हैं, आज भी वो आतंकवादी भारत देश में आतंकवादी हमले कर रहे हैं।
साथियों, बड़ी सच्चाई मैं आपके सामने कह रहा हूं। एक बहुत बड़ा गमगीन विषय है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं रहे। चलिए नहीं रहे भाई, पूरी श्रद्धांजलि है, लेकिन कंधार को कौन भूल सकता है जब अटल जी की सरकार में पाकिस्तान ने भारतीय विमान का अपहरण किया। कौन भूल सकता है उस कंधार को जब पाकिस्तान ने हमारे विमान का अपहरण किया और उन खूंखार आतंकवादियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही रिहा किया था। कौन भूल सकता है उस विमान अपहरण कांड को। आज भी भारत देश के लाखों करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार, जो आज लाखों करोड़ों लोगों को ये आतंकवादी जो मौत के घाट उतार रहे हैं, जो भारतीय सेना के सैनिकों को जो मौत के घाट उतार रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, चाहे लाइक कीजिएगा, चाहे शेयर कीजिएगा, चाहे कमेंट कीजिएगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भारतीय संविधान को प्यार करता हूं, क्योंकि मैं भारतीय संविधान को प्यार करता हूं। मौत के घाट उतार रहे हैं आज भी वो आतंकवादी। बीजेपी के मंत्री जो है उस समय में, याद कीजिए उस दौर को, कि बीजेपी के मंत्री उस समय कंधार गए थे। बीजेपी के मंत्री उस समय कंधार गए थे, माला पहनने या पहनाने नहीं गए थे, बल्कि इस देश में आतंक फैलाने वाले जो इस देश के फौजियों ने, जो इस देश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन खूंखार आतंकवादियों को, उनको छोड़ने के लिए गए थे कंधार के अंदर, उनको छोड़ने के लिए गए थे, उनको विदा करने के लिए गए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भारतीय संविधान को प्यार करता हूं। मेरा संविधान भारत का संविधान है। उनको विदाई देने के लिए भारत की सरकार के मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जिस समय थे वो गए थे उनको विदाई देने के लिए आतंकवादियों को। यही तो है आज कि आज पूरा भारत देश आतंकवाद झेल रहा है और पाकिस्तान उन आतंकवादियों को पूरी शह दे रहा है।